हेलो एवरीवन दिस इज़ सविता चौहान वेलकम टू एम्बेडियारिया मॉडल स्कूल क्लास टेंथ इकोनॉमिक चैप्टर फोर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमिक प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव ग्लोबलाइजेशन पार्ट वन टेक्नोलॉजी पार्ट टू लिबरलाइजेशन ट्रेड बैरियर ये सब कुछ हम रीड कर चुके हैं इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है वी हैव सीन दैट द लिबरलाइजेशन ऑफ़ फ़ॉरन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वॉज सपोर्टेड बाई सम वेरी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि किस तरीके से लिब्रलाइजेशन को यानी जो लिब्रलाइजेशन है उसको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कौन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं ठीक है अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है यानी डब्ल्यू टी ओ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं या वर्ल्ड बैंक ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और किसको सपोर्ट कर रही हैं लिबरलाइजेशन को किस लिए ताकि फ़ॉरेन ट्रेड हो सके इन्वेस्टमेंट हो सके इंडिया में ठीक है तो ये डब्लू के सजेशन पे सपोर्ट पे डब्लू ने ट्रेड को फ़ॉरेन ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइजेशन uh, करने के लिए क्या दी दी है दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स टू फॉरन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आर हार्मुल ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कहती हैं यानी डब्ल्यू टी ओ क्या कहती है कि अगर ये बैरियर्स होंगे यानी जो टैक्स लगाना इम्पोर्ट पर तो अगर वो होंगे तो फॉरन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा हार्मुल हो जाएगा नुकसान होगा क्योंकि दूसरी एक कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रेड नहीं कर पाएगी ट्रेड बिटवीन कंट्रीज अगर ट्रेड हो रहा है दो कंट्रीज़ के बीच में तो वो फ्री होना चाहिए मतलब विदाउट टैक्स होना चाहिए विदाउट बैरियर होना चाहिए ऑल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़ और होना चाहिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको अपनी पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करना चाहिए फ्री करना चाहिए एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है डब्ल्यू टू डब्ल्यू टी ओ इज़ वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज़ टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड और डब्ल्यू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज़ करती है मतलब ट्रेड अगर हो तो मतलब वो क्या होना चाहिए फ्री होना चाहिए टैक्स फ्री स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव इसको किसने इनिशिएटिव करा यानी जो डब्ल्यू को किसके इनिशिएटिव पे बनी है और किसने इसको है जो बनाया है तो वो डेवलपमेंट कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनको जिन्होंने डब्ल्यू को एस्टेब्लिश किया है अब डब्ल्यू टी ओ क्या करती है रूल्स बनाती है किसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग अगर एक कंट्री या बहुत सारी मैनी कंट्रीज़ हैं वहाँ ट्रेड करना है तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाती है कि ये आप सबको मानना पड़ेगा ठीक है तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें 164 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर करंटली मेंबर हैं डब्लू टी ओ के लेकिन अगर हम 2016 की बात करें तो 165 है तो थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो जाता है आप देख लेना एग्जैक्ट क्या है Uh, दो यद्यपि अगर हम बात करें डब्लू टी ओ इज़ सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल डब्ल्यू टी ओ क्या करती है सबके लिए फ्री ट्रेड अलाउ करने का काम करती है इन प्रैक्टिस इट इज़ सीन दैट द डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स लेकिन हमने देखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यू एस ए या अदर कंट्रीज़ हैं वो अनफेयरली क्या करती हैं लगाती हैं ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं जबकि डब्ल्यू टी ओ ने क्या कह रखा है कि भाई हमें ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाना लेकिन फिर भी ये ट्रेड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या लगाती हैं ट्रेड बैरियर्स लगाती हैं ऑन द अदर हैंड जबकि हम देखें डब्ल्यू टी ओ क्या करता है रूल्स हैव फोर्सड द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो क्या कहता है लाइक अ इंडिया ठीक है ये एक डेवलपिंग कंट्री है इसको क्या बोला है इसको तो बोला है कि आप ट्रेड uh, बैरियर हटा दो लेकिन डेवलप कंट्री लाइका यू एस ए की बात करें तो uh, उसमें उनको क्या बोला है कि भाई वो क्या करती हैं वो ट्रेड बैरियर लगाती हैं यानी ये इंडिया है और ये हमारा यू एस ए हो गया अदर कंट्रीज़ हो गई तो मतलब ये डेवलप कंट्री है ठीक है ये डेवलप्ड है और ये अनडेवलप्ड है अभी डेवलपिंग चल रही है यहाँ पे तो यहाँ से आप इंडिया में सामान तो भेज सकते हो यानी यहाँ ट्रेड बैरियर नहीं है यहाँ ट्रेड बैरियर नहीं है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ठीक है, है यहाँ से आप इजिली सामान जा रहा है आपका फ्री हो के लेकिन अगर इंडिया सोचे कि भाई हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ में सेल करना है तो वहाँ पे बैरियर है यहाँ पे क्या है बैरियर है डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाइक यू एस ए में ईजीली सामान नहीं भेजा जा सकता जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ठीक है एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स अब इसी पे एक डिबेट बनती है किस किस में डिबेट बन रही है डेवलपिंग कंट्रीज वर्सेस अगर हम देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज यानी दोनों के बीच में एक डिबेट्स होती है और उसका एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट एग्रीकल्चर को ही ले लेते हैं चलो तो यहाँ पे डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस में कुछ बताया हुआ है कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि डेवलप्ड कंट्री कितना आगे है और कितना फॉलो करती है रूल रेगुलेशन को देखें तो चैप्टर टू दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ़ द जी डी पी इंडिया इंडिया का जो जी डी पी है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोवाइड होता है एम्प्लॉयमेंट मिलता है यानी अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री से तो लाइक यू एस ए उनका अगर जी डी पी देखें तो एग्रीकल्चर का सिर्फ वन परसेंट है जबकि हम एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट देखें इन दोनों सेक्टर को देखें तो हमारा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन यानी एक मेजर पोर्शन जी डी पी के लिए इन पर डिपेंड करता है मोस्टली सब कुछ हमारा किस पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे उसी से हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लेकिन अगर डेवलप्ड कंट्री की देखें तो वहाँ पर एग्रीकल्चर सिर्फ वन परसेंट है पूरी जी डी पी का और अगर एम्प्लॉयमेंट देखें सिर्फ ज़ीरो पॉइंट फाइव है जो कि इसमें अंगेज है जो इस एग्रीकल्चर में जो मतलब इम्प्लॉयमेंट मिलता है येट दिस वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर अंगेज इन एग्रीकल्चर इन द यू एस ए रिसीव मैसेज सम ऑफ मनी फ्रॉम द यू एस ए फॉर प्रोडक्शन यहाँ पे आपने देखा पीपल तो कम है परसेंटेज एग्रीकल्चर में कम है उसके साथ ही क्या मिलता है यूएसए उनको बहुत बड़ा अमाउंट देता है पैसे देता है गवर्नमेंट यू एस ए किसको पैसे देती है फार्मर्स को पैसे देती है मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट देती है एग्रीकल्चर्स के लिए खेती करने के लिए एंड ड्यू टू दिस मैसिव मनी इज जो इतना बड़ा पार्ट मिल रहा है यानी सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट दे रही है यू के फार्मर्स को तो ये जो रिसीव करते हैं यू के फार्मर्स फार्मर्स कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट एप नॉर्मली लो प्राइस इसकी वजह से क्या होगा वो नॉर्मली लो प्राइस पर अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है सब्सिडी दे रही है हेल्प कर रही है तो अगर उनको कहीं लॉस भी हो रहा है तो भी वो आ, उससे बच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है हेल्प कर रही है लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो वहाँ पर कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है एक तो एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन ज़्यादा है ज़्यादा डिपेंड करती है तो गवर्नमेंट अगर देना भी चाहेगी तो कितनों को सब्सिडी देगी एंड सरप्लस जो बचता है जैसे यूएसए के फार्मर में एट लो प्राइस पे सेल करने के बाद तो उस प्रोडक्ट को वो क्या कर देते हैं दूसरी कंट्री में मार्केट में लो प्राइस पर सेल करते हैं एडवर्सली इफेक्टिंग फार्मर्स इज दीज कंट्रीज़ और ये जो सरप्लस का जो प्रोडक्ट है सोल्ड कर देते हैं इन अदर कंट्रीज़ में यानी दूसरी कंट्रीज़ पे लो प्राइस में सेल करेंगे तो वहाँ तो इफ़ेक्ट आएगा ना आप खुद सोचो अगर ये लो प्राइस पे दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उनको तो लॉस होगा पहले ही क्योंकि उनको सब्सिडी थोड़ी मिल रही है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सब्सिडी नहीं है और यू से अगर आ गए अगर यू इंडिया में अपना सेल करेगा तो आप सोचो एक एग्जाम्पल से कैसे अगर हैंड्रेड की कॉस्ट है इंडिया में चलो यहाँ भी हंड्रेड यू में लगा लेते हैं लेकिन यह सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट उसको फिफ्टी की सब्सिडी दे रही है जबकि यहाँ सब्सिडी नहीं दे रही है अब इसको तो अपना मार्जिन रख के वन ट्वेंटी में तो कम से कम सेल करना पड़ेगा ना अपना प्रोडक्ट ताकि उसको फ़ायदा हो लेकिन यहाँ पे यू एस जब सब्सिडी फिफ्टी मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो अगर सिक्सटी में भी सेल करता है दूसरी कंट्रीज़ में तो उसको लॉस नहीं है यूएसए को यूएसए को लॉस थोड़ी है यूएसए के फार्मर्स को क्योंकि सब्सिडी मिल गई अब कम प्राइस में भी वो दूसरी कंट्री में मार्केट में सेल कर सकता है लेकिन अगर हम यहाँ देखें इंडिया में वन ट्वेंटी में वो सेल कर रहा है और यूएसए से अगर सिक्सटी में आ रहा है वो ही प्रोडक्ट सीधे सीधा हाफ मार्जिन है तो कितना बड़ा कॉम्पीट हो जाएगा तो क्या हमारे यहाँ के फार्मर बाहर के फार्मर से कॉम्पीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और यूएसए के लिए हैप्पी क्योंकि यहाँ जो बाहर से अगर कोई भी सामान मंगाता है तो उनको सस्ता पड़ेगा जबकि यहाँ जो फार्मर दे रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है तो कितना देखो आ, नुकसान हो रहा है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ आर देयर फॉर आस्किंग द डेवलप कंट्रीज़ गवर्नमेंट इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं लाइक इंडिया वो गवर्नमेंट डेवलप्ड कंट्री की गवर्नमेंट से पूछती हैं कि वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स हमने तो अपना ट्रेड बैरियर्स हटा दिया एज़ पर डब्ल्यू टी ओ रूल्स क्योंकि डब्ल्यू टी ओ का रूल्स है कि भाई बैरियर हटा दो तो हमने तो हटा दिया बट यू हैव इग्नोर द रूल्स ऑफ रूल लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस रूल को क्या कर रही हैं इग्नोर कर रही हैं एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर्स वास्ट सम ऑफ मनी और ऊपर से सब्सिडी भी दे रही हैं ठीक है अपने फार्मर को क्या दे रही हैं सब्सिडी भी दे रही हैं एंड यू हैव आस्क अवर गवर्नमेंट्स टू स्टॉप सपोर्टिंग अवर फार्मर्स और ऊपर से आप गवर्नमेंट uh, को बोल रहे हो कि फार्मर्स को सपोर्ट ना करें मतलब डेवलप्ड कंट्री की जो सरकार है एंड बट यू आर डूइंग सो योर सेल्फ आप अपने लिए uh, कुछ और हो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इज दिस फ्री एंड फेयर ट्रेड तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि आपको ये लग रहा है फ्री और फेयर फेयर ट्रेड जैसे कि अभी डब्ल्यू को इसलिए बनाया गया था कि भाई वो फ्री ट्रेड करे और लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर ट्रेड नहीं हो रहा है ठीक है तो एक डिबेट है जो कि ट्रेड प्रैक्टिस के बेस पर हमने देखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर और uh, एग्रीकल्चर बेस्ड जो हैं फार्मर्स इंडिया के यानी डेवलपिंग कंट्री के और जो यू के डेवलप्ड कंट्री हैं उनके बेस में उनके दोनों का अगर कंपेरिज़न करें तो कितना लॉस हो रहा है तो इस बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ये डब्ल्यू टी ओ उस चीज़ पे ध्यान ना दे या गवर्नमेंट उस पर ध्यान ना दे तो इसलिए यहाँ देखा फार्मर जो हैं कितना फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को तो यहाँ पे ये देखनी चाहिए कि जब फ्री एंड फेयर ट्रेड नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया यानी ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़े पड़ रहा है यानी जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है या इतना ज़्यादा देख रहे हैं तो आप इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे इन द लास्ट ट्वेंटी ईयर्स अगर हम ट्वेंटी ईयर्स से देखें तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ़ इंडिया इंडियन इकोनॉमिक हैज कम अ लॉन्ग वे यानी अब इंडियन की इकोनॉमिक में एक लॉन्ग रास्ता बन चुका है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी इंडियन इकोनॉमिक जैसे कि व्हाट हैज़ बीन इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ पीपल उनकी लोगों की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका ग्लोबलाइजेशन का एंड लेटेस्ट लुक एट सम ऑफ द एविडेंस कुछ हम ऐसे एविडेंस भी देखेंगे उसके एग्जाम्पल के बेस पर समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है ग्लोबलाइजेशन कहाँ तक ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कॉम्पिटिशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरन प्रोड्यूसर हम मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या कर देता है कॉम्पिटिशन बना देता है प्रोड्यूसर्स के बीच में और फॉरन जो आ, प्रोड्यूसर्स के बीच में यानी जो लोकल हैं और जो फॉरेन प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो ऑलरेडी उस कंट्री में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है कंपटीशन बन जाता है हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स यहाँ पे कंज्यूमर को आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा पर्टिकुलर पर्टिकुलरली द वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरिया मोस्टली जो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड जिनका हाई है रिच हैं वो जो सेक्शन है अर्बन एरिया में शहर में उनको तो स्पेशल फ़ायदा ही फ़ायदा है देर इज़ अ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ इन्जॉय इम्प्रूवड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स क्योंकि उनको अच्छी की कीमत मिल रही है लो कीमत मिल रही है अच्छी क्वालिटी मिल रही है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो चॉइस में उनको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं एज ए रिजल्ट दीज पीपल टूडे इन्जॉय मच हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैन वॉज पॉसिबल अर्लियर यानी इसके चलते अब ये हो पाया है कि पहले से लोगों का जीवन लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो गया है जबकि पहले नहीं था जैसे कि आज आप देखेंगे सबके पास टी वी है फ्रिज है फ़ोन है तो ये क्यों हो पाया है क्योंकि लो प्राइस पर अगर चीज़ मिल रही है तो क्या होगा लो प्राइस पे चीज़ मिलने की वजह से हम इजीली uh, उस चीज़ को ले सकते हैं और अवेलेबल uh, वो चीज़ हो सकती है और उसके फ़ायदा भी ज़्यादा हो सकता है जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सबका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से हाई हुआ है और सारी चीज़ें लोगों के पास पहले से ज़्यादा अवेलेबल है पहले कॉस्टली ज़्यादा होती थी तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे अमंग प्रोड्यूसर्स बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आने की वजह से एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट यानी अमंग जो प्रोड्यूसर्स बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का या वर्कर्स हैं ग्लोबलाइजेशन का उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है हैज़ नॉट यूनिफॉर्म लेकिन एक जैसा नहीं पड़ा अगर आपने अभी कस्टमर का देखा है कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ है तो अब हम देखेंगे कि उन दोनों के क्या था वो अभी एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से एक जो वर्कर है या प्रोड्यूसर है उनको कितना नुकसान या फ़ायदा हो सकता है लेकिन फ़र्स्टली हम देखेंगे एम एन सी हैव इंक्रीज़ देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट ट्वेंटी ईयर्स पहले से एम एन कंपनी ने इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा है विच मीन्स इन इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल्स फॉर दैम जब लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है लाभ इससे हो रहा है कैसे वो हम देखेंगे जैसे कि एम एनसीज हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच ऐजा सेल फोन्स ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट ड्रिंक्स फास्ट फूड और सर्विस सच ऐजा बैंकिंग इन अर्बन एरियाज मोस्टली जो एम एन सीज होती हैं इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं और इन पर ही इन्वेस्टमेंट करती हैं दिस प्रोडक्ट है लार्ज नंबर ऑफ वेल बायर्स क्योंकि इनके जो बायर्स होते हैं ख़रीदार होते हैं ज़्यादा होते हैं तो ये इजीली इनमें प्रॉफ़िट एम को होता है इन दीज़ इंडस्ट्री सर्विसेज़ जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं और सर्विसेज़ हैं न्यू जॉब्स मिलती हैं इसमें क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं सर्विसेज़ देंगी तो वहाँ पे जॉब तो मिलेगी मिलेगी एंड लोकल कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होता है सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स और इन इंडस्ट्रीज़ को एम को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा हो रहा है इंडस्ट्रीज़ हैज़ प्रॉस्पर्स जिसकी वजह से जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो वो भी प्रॉस्पर्स हो रही हैं पहले से आ, अपने आप को डेवलप कर पा रही हैं ग्रो कर पा रही हैं अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे स्टूडेंट यहाँ पे कि स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ है जो कि गवर्नमेंट करती है या उसको करना चाहिए इन रीसेंट ईयर इन रीसेंट ईयर अगर हम कुछ सालों से देखें तो Uh, ये जो अब सेंट्रल और जो हमारी स्टेट है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आर टेकिंग स्पेशल स्टेप इन्होंने कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए हैं किसके लिए अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज के लिए यानी उन फॉरेन कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें टू इन्वेस्ट इन इंडिया ताकि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकें इसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए हैं और ये जो इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए हैं जिसमें कि वो इन्हें क्या कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है जो जहाँ पे स्पेशल इस इंडस्ट्रीज़ के लिए ही एरिया सेलेक्ट किए गए हैं आर बिंग सेटअप अब ये जो इकोनॉमिक जोन है ये है क्या हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दैट मीन्स यहाँ पे वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ सके जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी वाटर रोड्स ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड्रीग्रेशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ये सारी फैसिलिटीज़ अगर वहाँ पर होंगी तो गवर्मेंट वो फ़ॉरन इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एंड कंपनीज़ हुटअप प्रोडक्शन्स यूनिट इन एस ई जेड और अगर कोई इस सेक्टर में अपनी यूनिट लगाता है जैसे मानो ये एक प्लेस है यहाँ पर एस सी जेड है यहाँ पर एस सी जेड है यहाँ पर ए सी जेड है यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाएगी यहाँ पे लगाई जाती है यहाँ पे लगाता है कोई भी यूनिट अगर ऐसी लगाता है तो फाइव ईयर तक उसको टैक्स नहीं देना है सबसे बड़ी बात अगर ऐसी जेड वाली जगह पर अगर कोई प्लांट uh, लगाता है इंडस्ट्री लगाता है तो उसको फ़ाइव ईयर तक टैक्स की रिलैक्सेशन uh, मिलती है एक टाइम के लिए एंड गवर्नमेंट हैज़ आल्सो अलाउड फ्लैक्सिबिलिटी द लेबर लॉ और लेबर लॉ पर भी फ्लैक्सिबिलिटी गवर्नमेंट देती है फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है दैट मीन्स चेंज करना रूल्स को अपने अकॉर्डिंग टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टर्स हैं वो आ सकें उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई इतने टफ़ रूल नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि अगर वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनको क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है तो यू हैव सीन टू चैप्टर टू एंड द कंपनीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि आपने देखा था ऑर्गेनाइज सेक्टर में वहाँ पे क्या होता है कुछ रूल्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स को वर्कर्स को कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बने होते हैं ठीक है राइट्स uh, होते हैं उनके लेकिन रिसेंट ईयर्स अगर हम देखें गवर्नमेंट्स क्या कर रही है अलाउड कर रही है कंपनीज़ को टू इग्नोर मैनी ऑफ दीज कि वो इस टाइप के जो रूल रेगुलेशन है उनको क्या कर सकती है इग्नोर कर सकती है जिसके चलते क्या होगा हायरिंग वर्कर्स ऑन रेगुलर बेसिस यानी जब आप हायर करोगे वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पे कंपनी हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर शॉर्ट पीरियड वैन देयर इज एन टेंस प्रेशर ऑफ वर्क दैट मीन्स जब प्रेशर होगा वर्क का तभी आप रख सकते हो हायर कर सकते हो वर्कर्स को और फिर उसके बाद निकाल भी सकते हो ऐसा नहीं है कि आपने परमानेंट उनको रख दिया है और इस बेस पे क्या होता है कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा काम है तो रख लो ऐसा नहीं है कि जब काम नहीं होगा तब भी हमें उनको पेमेंट देनी पड़ेगी तो हम निकाल सकते हैं तो ये एक फ्लैक्सिबिलिटी होती है आ, उसको लेबर को लेकर ठीक है और दिस इज़ डन टू रिड्यूस टू कॉस्ट ऑफ़ लेबर कई बार क्या होता है जब एमएनसीज़ क्या होती हैं किसकी तरफ़ अट्रैक्ट होती हैं स्टूडेंट एम होती हैं अट्रैक्ट लो प्राइस की तरफ तो कई बार जब प्रोडक्ट पे लो प्राइस नहीं होता तो ये प्रोडक्ट जो उत्पादक करने वाले होते हैं वो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कोशिश करेंगे लेबर की कॉस्ट को कम करने की कि भाई क्योंकि उन्हें तो कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो उनकी वेजिस सैलरी को रिड्यूस कर देंगे किसकी जो लेबर होते हैं तो उससे भी क्या होगा कॉस्ट कम हो जाएगी और एमएनसीज को सस्ता माल दे सकते हैं प्रोड्यूसर्स तो इसीलिए भी और जो एम होती हैं उनको तो पहले से ही पता है भैया लो प्राइस जहाँ पे होगा वहीं पे सेटअप करनी ही है स्टिल नॉट सेटिस्फाइड फॉरेन कंपनीज़ आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज और पहले से भी ज़्यादा इतना होने के बाद भी जो ये एम कंपनी है वो क्या कह रही हैं कि हमें और भी ज़्यादा वो चाहिए रूल रेगुलेशन में थोड़ा सा रिडक्शन चाहिए कॉस्ट ऑफ़ लेबर की रिड्यूस हो सके तो स्टूडेंट जैसे कि एग्जांपल अगर ऐसी जेड का देखें आपने अभी क्या पड़ा है एसी जेड क्या है तो ये इसके एग्ज़ाम्पल आप पुणे पुणे इंडस्ट्री बेल्ट देख सकते हैं नियर बाय इंदौर देख सकते हैं गुजरात देख सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे रखी हैं किस लिए ताकि वो बाहर के जो फॉरेन्स हैं वो अट्रैक्ट हो सकें तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे अच्छी बात आपने देखी कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर रही है एम को अट्रैक्ट करने के लिए और किस तरीके से फ्लैक्सिबिलिटी लॉ बनाया गया है लेबर का ताकि उनको ऐसा न ना लगे इन्वेस्टर्स को फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि भाई हमें परमानेंट जॉब देनी पड़ेगी और हमें आ, अगर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूल मानने पड़ेंगे तो कहीं हम ऐसे ना लॉस में चले जाएं तो ये सारी चीज़ों का गवर्नमेंट बहुत स्पेशल ध्यान देती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड जैसे कि अभी हम एम कंपनी का ऊपर हम रीड कर रहे थे स्टूडेंट ये हम टॉपिक पढ़ रहे थे ना यहाँ पे तो वो बीच में ऐसी जेड आ गया था वो हम पढ़ रहे थे ये पढ़ रहे थे एम कंपनी का जो फ़ायदा हो रहा है पहले से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो उससे क्या क्या बेनिफिशियल हो रहा था तो फर्स्टली हमने पढ़ लिया था कि क्या क्या फ़ायदा हो रहा है और अब हम सेकेंड पढ़ेंगे कि एम कंपनी का क्या फ़ायदा है मतलब इतना एडवांटेज किस चीज़ के लिए है फर्स्ट पढ़ा उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे सेवरल ऑफ टॉप कंपनीज़ के लिए जो टॉप कंपनीज होती हैं ना तो उनके लिए क्या बेनिफिट है इंक्रीज कॉम्पिटिशन उनका कॉम्पिटिशन तो बढ़ जाता है दे हैव invest in newer, न्यूअर uh, newer technology and production method and raise their production standard competition के चलते chalte नई नई nayi technology pe करते हैं hain nayi nayi को ko करते हैं क्योंकि सबको देखते हैं ना na किस तरह का competition चल रहा है उसी चीज़ को वो फिर uh, get करते हैं इससे उनके standard बढ़ता है उनके सामान का उनके production का तो ये सब competition के चलते ही होता है MNCs company कंपनी के होते हुए ही सम हैव गेन फ्राम सक्सेसफुल कोलाबोरेशन विद फॉरन कंप कंपनीज कुछ कंपनीज़ तो कोलाब्रेशन कर लेती हैं फॉरेन कंपनीज़ के साथ यानी पार्टनरशिप कर लेती हैं जिससे कि उनको टेक्नोलॉजी मिल जाती है इन्वेस्टमेंट मिल जाता है मार्केट मिल जाती है ऐसे पार्टनरशिप करने से इसके अलावा अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन हैज़ अनेबल सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टी नेशनल अभी तो आपने देखा कोलाबोरेशन कर लेती हैं कुछ कंपनी कुछ आ, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला कि खुद को ही एम कंपनी बना लेती हैं जैसे टाटा मोटर है ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस करती है इनोफिस है जो कि आईटी की है और रेनबेक्सी है जो मेडिसिन की है एशियन पेंट है जो पेंट्स करता है सुंदर और सुंदरम फास्टर फास्टर्न नट्स और बोल्ट्स की है तो ये खुद भी हमारे यहाँ की कंपनीज हैं जो एम कंपनी है जो दूसरी कंपनी में अपने आप को ग्लोबलाइज कर रखा है तो ये भी फ़ायदा होता है कि क्योंकि आप उ, वो खुद को भी एक ब्रांड बनाकर अपने आप को सेट कर सकते हैं कोलाबोरे कोलाबोरेशन से पार्टनरशिप तो करके फ़ायदा हो ही सकता है लेकिन खुद को भी एम बनाया जा सकता है सम इंडियन कंपनीज़ विच आर एस्प्रेड देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज इंडिया की जो वर्ल्ड वाइड में फैली हुई हैं एंड ग्लोबलाइजेशन हेज़ ऑलसो क्रिएटेड अव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज़ प्रोवाइडिंग सर्विसिस पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व आई टी ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कंपनीज़ के अंदर सर्विसिज़ में जैसे कि आई टी है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉटेंट सेक्टर है कॉम्युनिकेशन के इंफॉर्मेशन के लिए स्पेशल कॉल सेंटर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं एंड द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगजीन जैसे कि हमने रीड करा था के इंडिया के अंदर जो मैगजीन uh, प्रोड्यूस हुई थी लंदन के लिए बेस कंपनी एंड कॉल सेंटर ये सब एग्जाम्पल हैं यानी किस बेस पे है कंपनी और कॉल सेंटर्स से जिसके बेस पे हमने देखा कि जो एम कंपनी है किस तरीके से काम करती हैं क्योंकि लंदन की मैगज़ीन इंडिया में क्यों प्रिंट हुई क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट में वो काम हो सकता है कुछ और भी ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि डाटा एंट्री हो गई अकाउंटिंग हो गई एडमिनिस्ट्रेश एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गए इंजीनियरिंग नाउ बिगिन डन चीपली क्योंकि और भी ये सारे काम हमारी कंट्री में होते हैं और बाहर की एम कंपनीज कराती हैं क्यों क्योंकि ये हमारे यहाँ सस्ते में चीपली हो जाती हैं कंट्री ऑफ इंडिया में आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप डेवलप्ड कंट्रीज़ को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हो कि किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है किस किस को फ़ायदा भी आपने देखा कंज्यूमर को आपने देखा कि चॉइस का फ़ायदा हुआ है और जो लिविंग जॉब पहले से ज़्यादा क्रिएट हुई हैं और इम्पैक्ट प्रोड्यूसर वर्कर्स पे इक्वली नहीं पड़ा है वो हमें भी पढ़ेंगे एम जो टॉप कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा हुआ है और जो हमारी खुद की इंडियन कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने आप को ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमनसीज कंपनी बनाया है और देखा हमने किस तरीके से कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जिससे नई नई अपॉर्चुनिटी भी सर्विस सेक्टर में बढ़ी है पहले से और एम कंपनी यहाँ पर जो डेवलप कंट्री हैं वो अट्रैक्ट होती हैं तो ये हमने एम का पढ़ा अब देखेंगे जो एक लाइन थी ना स्टूडेंट के जो यूनिफॉर्म इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है किस पे प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स पे हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म इम्पैक्ट यानी डिसएडवांटेज पड़ेंगे कि जो एम हैं उसका डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है अगर हम देखें तो एग्जाम्पल से समझेंगे सबसे पहले हम रवि को देखते हैं जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर है प्रोड्यूसर है रवि डिड नॉट एक्सेप्ट दैट ही वुड हैव टू फेस अ क्राइसिस इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ हीज लाइफ एज इंडस्ट्रियलिस्ट इतना बड़ा क्राइसिस उन्होंने अपने कभी लाइफ में फेस नहीं करा एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट रवि लुका लोन फ्रॉम द टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक से वो लोन लेता है स्टार्ट हैज़ ऑन कंपनी अपनी कंपनी स्टार्ट करता है प्रोड्यूसिंग कैपीसी कैपेसिटर uh, उसने प्रोड्यूस करे जो कि एक पार्ट है जो लगाया जाता है टीवी में एंड नाइनटीन इन टू इन्योर होस्योर लगाया एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु जो कि उसकी इंडस्ट्री कहाँ पर है तमिलनाडु में है और होसार एक जगह का नाम है जो कि तमिलनाडु में है तो कैपेसिटर्स जो हैं मैनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस हैं इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट्स टेलीविज़न एट्सट्रा में यूज़ किए जाते हैं विद इन थ्री ईयर तीन साल के अंदर उसने अपना काम एक्सपेंड करा और ट्वेंटी वर्कर्स थे जो कि उसके नीचे काम कर रहे थे लेकिन सडनली क्या हुआ स्ट्रगल हीज रन हीज कंपनी स्टार्टेड गवर्नमेंट रिमूव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट कैपेसिटर पर एग्रीमेंट एट डब्लू टी ओ टू थाउजेंड वन लेकिन टू थाउजेंड वन में जब डब्लू टी ओ के साथ एग्रीमेंट हो गया कि हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे बाहर से इम्पोर्ट हो सकता है तो क्या इफेक्ट पड़ा वो देखो कितना ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम शुरू हो गया अब रवि का हीज हीज मेन क्लाइंट से द टेलीविज़न कंपनीज जो उसके टेली टेलीविज़न वि, के जो क्लाइंट थे जो उससे सामान लेते थे वो उससे थोड़ी लेंगे यूज टू बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स इन बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविज़न सेट्स यानी जो टेलीविजन सेट टेलीविज़न सेट्स के लिए जो ये सारी चीज़ें लेते थे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स लेते थे लेकिन अब एम कंपनी अके आने से क्या हुआ ब्रांड होती थी और इंडियन टेलीविज़न कंपनीज टू मूव इन टू असम्बलिंग एक्टिविटीज़ फॉर एम कंपनी तो इंडियन जो टेलीविजन सेट करने वाली जो कंपनी होती थी असेंबल करने वाली कंपनी जो छोटे छुड़ छोटे पार्ट्स को आ, मिक्स करके असेंबल करके टीवी बनाती थी वो एमएनसी से लेने लग गई क्यों क्योंकि जो कैपेसिटर्स थे इन इंडियंस के वो थोड़े प्राइस में क्या थे ज़्यादा थे और इंपोर्ट एज प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड आइटम वाज़ हाफ़ और, और जबकि बाहर से फॉरेन जो एमनसीज से अगर वो लेते थे यहाँ के इंपोर्ट जो टीवी को क्या करने वाले असम्बल करने वाले जो हैं अगर वो ये पार्ट्स को इनसे खरीदते थे तो वो सस्ता पड़ता था जबकि रवि का जो चार्ज होता था रवि जैसे जो प्रोड्यूसर थे उनका चार्ज ज़्यादा था यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे एम के प्रोड्यूसर्स का प्राइस कम था रवि नाउ प्रोड्यूस लेस देन हाफ द कैपेसिटर अब उसकी कैपेसिटर कम हो गई उसकी डिमांड टू थाउजेंड हैज़ ओनली सेवन वर्कर्स इयर टू थाउजेंड में यहाँ पे कुछ ईयर में मिस्टेक है तो कितने रह गए उसके सेवन वर्कर्स ही रह गए उसके पास मैनी ऑफ रवीज़ फ्रेंड्स इन द सेम बिजनेस हैदराबाद में और चेन्नई में उसके कुछ और फ्रेंड थे जो ये बिज़नेस करते थे वो भी उनका भी क्लोज़ हो गया तो आपने देखा स्टूडेंट के किस तरीके से फ़ॉरन कंट्री ने जो इन्वेस्टमेंट करा उसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मैनुफैक्चरस को मोस्टली अगर आप देखेंगे स्टूडेंट जो कि बैटरी कैपेसिटर्स प्लास्टिक टॉयज टायर्स डेरी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वेजिटेबल ऑयल सम एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीड वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चर हैव बीन हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन, इनको बहुत लॉस हुआ है एंड सेवरल ऑफ द यूनिट शट डाउन बहुत सी बंद हो गई हैं मैनी वर्कर जॉब लॉस हो चुके हैं और ऐसी इंडस्ट्री जो इंडिया में है लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स ट्वेंटी मिलियंस हैं कंट्री में और नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर अब देखें तो सिर्फ एग्रीकल्चर है जो आ, हम कह सकते हैं वो वर्कर बन आ, हैं इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ वर्कर्स इंडिया एक ऐसा आ, वो है सेक्टर जिसके अंदर इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री इन इंडिया जो स्मॉल इंडस्ट्री हैं इंडिया के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जो कंट्री में वर्क करते हैं नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर बाद में एग्रीकल्चर आती है तो अगर ये स्मॉल यूनिट्स बंद हो जाएंगी तो ट्वेंटी मिलियंस वर्कर्स आप सोचो कि उनका क्या होगा जो कि ऑलरेडी इसमें एम्प्लॉयड करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे और उसके बाद आप जानते हैं सबसे ज़्यादा हैं एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा सबके ऊपर ही तो ये कंपटीशन के चलते हुए एक सेकंड प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मजदूरों के लिए जैसे कि अभी आपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स uh, के लिए देखा कि एम कंपनी का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लॉस पड़ता है वो कंपटीशन नहीं कर पाते हैं इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट की लाइफ में भी यही होता है कि वो अनसर्टेलिटी अनसर्टेन हो जाते हैं यानी उनको क्या फेस करनी पड़ती है उनको फेस करनी पड़ती है कि जॉब कभी भी जा सकती है क्योंकि एम्प्लॉयड का फ्लेक्सिबल होता है कंपटीशन में वर्कर्स को लम, लंबे समय तक नहीं रखते हैं तो वो हम इसमें स्टोरी पढ़ेंगे कैसे है? जैसे कि ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइफ ऑफ वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए जो ये कंपटीशन चल रहा है ना उसकी वजह से वर्कर्स की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है फेस द ग्रो ग्रोइंग कंपटीशन मोस्ट एम्प्लॉयर्स दिस डेज प्रिफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लैक्सिबिलिटी क्योंकि कॉम्पिटिशन के चलते हुए जो फ्लैक्सीबिलिटी मिल रही है एम्प्लॉयर्स को कभी भी निकाला जा सकता है दिस मीन वर्कर्स जॉब एंड नो लॉन्गर सिक्योर जिसकी वजह से साफ पता चल रहा है कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है और कभी भी उनको निकाला जा सकता है तो ये कंपटीशन के चलते ही तो हो रहा है क्योंकि कंपटीशन जितना होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर हम एक लार्ज एम कंपनी की बात करें गारमेंट इंडस्ट्री की यूरोप और अमेरिका की ऑर्डर दियर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया इंडियन एक्सपोर्टर्स अगर इंडियन के एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर मिलते हैं दीज लार्ज एम एनसीज विद वर्ल्ड वाइड नेटवर्क लुक फॉर चीपेस्ट गुड एंड ऑर्डर मैक्माइज टू प्रॉफिट और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर से इनको क्या होता है फ़ायदा होता है और एम एन सीज कंपनी ऑर्डर इसलिए देती हैं क्योंकि वो चीप रेट पर होगा इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ट्राई हाउ टू कट देयर ऑन कॉस्ट इंडियन गवर्नमेंट गारमेंट्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए क्या करेंगे कॉस्ट को अपनी कम करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले। उसके लिए वो रॉ मटेरियल के रिड्यूस तो नहीं कर पाते क्योंकि एक लिमिट तक करेंगे लेकिन वो एक्सपोर्टर क्या करते हैं लेबर की कॉस्ट को कम कर देते हैं कि चलो भी हम ऐसे बचत कर लेंगे और एम को अपने प्राइस दे देते हैं लो प्राइस के क्योंकि एम तो लो प्राइस पर देगी ना जिसका ज्यादा प्राइस कम होगा उसी को ऑर्डर देगी अर्लियर आ फैक्ट्री यूज टू तो एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन परमानेंट बेसिस और एम्प्लॉय जो पहले परमानेंट बेसिस पे काम करते थे नाउ द एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली अ टेम्प्रेरी बेसिक basis so that do not have a pay workers for the whole year. और उनको कई बार पूरे साल भी काम पे नहीं रखना पड़ता है कई बार उनको निकाल दिया जाता है और टम्प्रेरी बेस पे काम करते हैं जिस दिन काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलते हैं ठीक है वर्कर हैव ऑल्सो पुटा इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनके ज़्यादा काम करने के घंटे होते हैं कई बार नाइट शिफ्ट भी होती है रेगुलर बेसिस पे भी वर्क करते हैं ड्यूरिंग द पीक सीजन अगर ज़्यादा ऑर्डर आता है तब उनको रेगुलर बेसिस पे भी संडे वाले दिन भी काम करना पड़ता है बेजिस आर लो कम मजदूरी होती है वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम उनको जबरदस्ती ओवर टाइम करने के लिए भी कहा जाता है एंड टू मेक बोथ एंड स्मीट और uh, मतलब जब अपने ऑर्डर को कंप्लीट कराने के लिए एंड वायल द कॉम्पिटिशन अमंग द गारमेंट एक्सपोर्टर हैज़ अलाउ एम एनसीज टू मेक लार्ज प्रॉफिट एम एनसीज कंपनी ये आ, एक्सपोर्टर्स को तभी दे सकती हैं ऑर्डर जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपटीशन के चलते हुए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स ही अलाउड कर देते हैं और एम कंपनी को प्रॉफिट होता है वर्कर्स को डिनाइड कर देते हैं ध्यान ही नहीं देते वर्कर्स के ऊपर और जो उनका फेयर शेयर होता है प्रॉफिट में ग्लोबलाइजेशन के द्वारा जो ये सिस्टम चल रहा है उसमें मज़दूरों को कुछ भी नहीं मिल पाता एक वर्कर की कहानी से हम समझेंगे जो कि गारमेंट वर्कर है सुशीला थर्टी फाइव ईयर की है और उसने बहुत सारे साल एक काम करा गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जो दिल्ली में है एज अ वर्कर शी वाज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर थी एंड टाइटल हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योरेंस था उसका प्रोविडेंट फंड मिलता था ओवर टाइम करती थी तो उसके डबल रेट मिलते थे वैन सुशीलाज फैक्ट्री क्लोज इन लेट नाइन्टी जब उसकी फैक्ट्री बंद हो गई सुशीला की तो वो जॉब उसकी नहीं रही आफ्टर सर्चिंग फॉर आ जॉब सिक्स मंथ छः महीने जॉब सर्च करने पर भी फाइनली वो जॉब थर्टी किलोमीटर यानी दूर उसको जॉब मिलती है एंड वेयर शी लीव और जहाँ वो रहती है उससे बहुत दूर इवन आफ्टर वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स जबकि उसने उस फैक्ट्री में बहुत सेवरल ईयर वर्क करा तब भी वो टेम्प्रेरी ही रही और बहुत कम उसने अर्न uh, करा हाफ व्हाट शी वाज अर्निंग अर्लियर जो पहले वो अर्निंग करती थी अर्लियर उससे भी हाफ अब उसकी इनकम हो गई सुशीला लीव्स अगर लेती है तो लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग सेवन डेज अ वीक एट सेवन थर्टी दैट मीन्स सुशीला को काम करना पड़ता है और सेवन थर्टी जो सेवन डेज काम करती है वीक एट सेवन थर्टी वो मॉर्निंग में निकल जाती है और दस बजे वो वापस आती है और आ डे भी एक सिंगल डे भी नहीं है उसके पास जो उसको उस दिन रिलैक्सेशन मिले और अगर वो नहीं जाती ऑफ़ ले लेती है तो उसको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे सी हैज़ नैनो बेनिफिट कोई और बेनिफिट नहीं है जो उसको पहले मिलता था फैक्ट्री क्लोज़र टू हर होम हैव क्लोज़र जो थी पहले फैक्ट्री अब उसकी क्लोज भी नहीं है वाइडली फ्लैक्ट फ्लैक्चुलेटली ऑर्डर एंड देयर पे इवन लेस और जिस तरीके से फैक्ट्री क्लोजर टू हर होम है वाइडली फ्लैक्चुलेटली ऑर्डर्स एंड देयर फॉर पे इवन लेस जिस तरीके से अब ऑर्डर जो हैं फ्लैक्चुलेट हो रहे हैं यानी पहले से आ, आ, कम होते जा रहे हैं उसी हिसाब से उसकी पे भी कम होती जा रही है और आ, उसी तरीके से उसको फिर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है तो ये आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन एम एनसीज की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है और कितना टफ़ कॉम्पिटिशन है जो फेस करना पड़ रहा है वर्कर्स को तो यहाँ पे यही बोला है कि जो कंडीशन है वर्कर की हार्डशिप और वर्कर्स डिस्क्राइब है वो बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्री यूनिट सर्विसेज इन इंडिया ये कॉमन है जो जितनी उनको ये कंपटीशन देखना पड़ रहा है वर्कर्स को जो कंडीशन झेलनी पड़ रही है वर्कर टुडे एम्प्लॉय इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली अब जो एम्प्लॉयड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और ये सेक्टर बढ़ता भी जा रहा है उनकी कंडीशन पहले से ज़्यादा क्या हो रही है यही कंडीशन है जो कि उनकी इंक्रीज़ हो रही है कंडीशन ऑफ वर्कन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर अब ऑर्गेनाइज़ सेक्टर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पोजीशन चेंज हो रही है लाइक सुशीला की जो हमने कंडीशन देखी कोई भी अब उसको लॉन्गर प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा बेनिफिट नहीं मिल रहा है अर्लियर जैसे कि उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलता था तो ये स्टूडेंट फिनिश करें हैं कि डब्ल्यू टी ओ क्या होती है और किस तरीके से उसकी डिबेट कॉम्प डेवलपिंग कंट्री और वो डेवलप्ड कंट्री के साथ डिबेट है कि भाई क्या अनफेयर है डब्ल्यू टी ओ या नहीं है या किस तरीके की पॉलिसीज़ होनी चाहिए हमने देखा कि एम एन सी कंपनी के इम्पैक्ट उसकी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रगल फॉर आ फेयर ग्लोबलाइजेशन यानी एक ग्लोबलाइजेशन के जो बैड इफ़ेक्ट हैं उससे सेव होने के लिए क्या करना चाहिए थैंक यू थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप्लर्निंग